ಪ್ರವಿಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಷ್ಟೋತ್ತರಿಸತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ರೂಪ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ ಚರಣ ಕಮಲ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ತಾ ತತ್ಪಶ್ಚಾತ್ ಮರಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು ಪಾದ ಪದ್ಮ ನಿತಲೀಲಾ ಪ್ರವಿಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಷ್ಟೋತ್ತರಿಸತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಶ್ರೀಲ ನಾರಾಯಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ ಚರಣ ಸರೋಜ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಣ ಕರ್ತಾ उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजी के प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत गल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये दशम स्कंध को प्रारंभ करने जा रहे हैं कृष्ण कथा। इसलिए कृष्ण कथा अभी क्या लाभ है और कृष्ण कथा कितने रसयुक्त और कृष्ण कथा कितना मधुर है वो कुछ श्लोकों को द्वारा कृष्ण कथा की महिमा को वो गा रहे हैं। कल हम लोग ने श्रवण किया था, बोले जस्मीन सत्कर्ण पीयूषे पुण्य तीर्थ बरे सक्री श्रोतांजलि रूपस्पृश्य धुन्नते कर्म वासना। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया है जो व्यक्ति ये कर्ण रूपी द्रोणा को द्वारा भर भर करके ये कृष्ण कथा रस को पान करते हैं। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया सत्कर्ण। सत्कर्ण मतलब सभी लोग ये कथा नहीं सुन सकते हैं, जिनको जन्म जन्मांतर का कोई सौभाग्य उदय हुआ। इसलिए श्री कहते भवा अपभर्ग भ्रमेत जदा धनस्य तहिर अच्युत सत्समागम। इसलिए तभी जीवन में भक्तों का संग तभी मिलता है कहते जब जीव भगवान को अनादि काल से भूल करके 14 ब्रह्मांड और 84 लक्ष जन्म में भ्रमण कर रहे। भ्रमण करते करते जब जीव की ये भव बंधन से मुक्त होने का समय आता है और ये संसार में आना नहीं, अभी भगवान का चरण में जाने का समय आ गया, बोले तहिर अच्युत सत् समागम। तभी जीवन में साधु संग तभी मिलता है, जिसको महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते बोध भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता। तो प्रभुपाद कहते कौन, बोले कौन है वो व्यक्ति, कौन है बोले जिनको पूर्व पूर्व जन्म से जिन्होंने भक्ति उन्मुख सुकृत जिनकी बहुत इकट्ठा हो गया है, तभी जीवन में ये साधु दर्शन। इसलिए सत्कर्ण पीयूषम, इसलिए कहते हैं जो लोग ये कानों सुख द्वारा भगवान की कथा रूपी अमृत को दोना में भर भर करके पान करते हैं, कान रूपी दोना में पान करते हैं, इसलिए जो कर्ण है वो सत्कर्ण है। लेकिन दुनिया के लोग तो बहुत बहुत सारी कथा तो सुनने वाले, कृष्ण बहुत कथा है। इसलिए भागवत में कहते हैं जिन कानों में कृष्ण कथा नहीं सुनते वो कान क्या है, कहते दो बील, जिस बील में ये काल रूपी सर्प निवास करता है। इसलिए जो ठाकुर की कथा भगवान की कथा नहीं सुनते हैं उनको कान नहीं, कहते वो दो बील है ये कान नहीं। बील में जैसे जहरीले सर्प वास करते हैं उनको कान में भी ये विषय रूपी सर्प उनको कान में निवास करते हैं है? उसका कान सार्थक कथा है जो ये कानों से कृष्ण कथा को जो श्रवण करे। इसलिए कहते पुण्य तीर्थ बरे सक्री, भगवान की जो पुण्य जो कथा है यही वास्तविक तीर्थ है। अगर एक बार अगर ये भगवत कथा को श्रवण करते हैं क्या होता है, धुन्नते कर्म वासना, उसको सारे कर्म वासना नष्ट हो जाता है, है? इसलिए कल हम लोगों ने श्लोकों को बहुत बहुत सुने। उसको बाद में कहते हैं बोले जस्याननम मकर कोंड चालू करना भ्राजत कपल सुभगम सबिलास आसम नित्वत सबन त्रित्यम त्रित्रिति भी पिबंत नार्जे नरा समुदिनाम कुपीत निमेश। यहाँ कह रहे हैं बोले जस्याननम मकर कुंडल चालू करना, तो कृष्ण का सुंदरता को ये श्लोक में वर्णना करते हैं। कहते कृष्ण देखने में कैसे हैं, बल जस्य आननम, जिसका जो मुख मंडल है
कहते मकर कर्ण चार कर्णम, जो अपना कान में मकराकृति कुंडल को जो धारण करते हैं, इसलिए हम दामोदर अष्टक में सुने ना, क्या सुने हैं? इसलिए यद्यपि कृष्णा जो जो अलंकार धारण करते हैं सबका सौभाग्य है, लेकिन सबसे ज्यादा सौभाग्य किसका है? ये कुंडल का है। बोले कुंडल का क्यों सौभाग्य? कारण है जो बारंबार दोलायमान होता है कृष्ण का कपलों को वो चुंबन करता है, कृष्णा कपलों को ये चुंबन करता है, इसलिए जितने अलंकार में सबसे जो श्रेष्ठ अलंकार कहते कृष्ण का कान का जो कुंडल है इसका सबसे ज्यादा सौभाग्य। इसलिए कहते हैं मकर कुंडल चार कर्णम भ्राजत कपल सुभगम सविलास हासम है। तो कृष्ण जो जब तांबुल चर्पण करते हैं, जब तांबुल को चर्पण करते हैं, उनको उदाहरण दिया हमने, जो दो गाल है ना एकदम भरा हुआ है, हैं एकदम सुंदर, उनकी कपल बड़े सुंदर हैं, हैं सुंदर को अंदर में सुभगम सविलास हासम, उनका जो हंसी है, कृष्ण जब हंसते हैं और भी कृष्ण शोभायमान होता है। इसलिए सुन रहे थे ना श्री रूप गोस्वामी के खबरदार कृष्ण का हंसी को विश्वास मत करो, हैं हंस गया तो फिर फंस गया, और उनका हंसी को एक बार देखा तो हंसी नहीं वो जादू है। कृष्ण के जो सुंदर जो मीठी मीठी जो उनकी मुस्कराहट है, फिर नित्वत सबम न तत्री पिउ दिशी भी पिबंती, कहते कृष्ण जब ये रूप जब दर्शन करते हैं तो विश्वनाथ टीका में कहते हैं जब कृष्ण सबको आनंद प्रदान किया है, सब भक्तों का आनंद प्रदान किया है, कृष्ण किसको किसको आनंद प्रदान किया है, कहते भोज वंश को भी उन्होंने आनंद प्रदान किया है, फिर उन्होंने वृष्णि वंश को भी, अंध को भी, सुरेशन भी, पांडुओं को भी, हैं ये सबके सबको इन्होंने अपना माधुर्य के द्वारा सबको उन्होंने आनंदित प्रदान किया है, लेकिन करने पर भी लेकिन यहाँ पर कहते सबसे ज्यादा उन्होंने किसको आनंद प्रदान किया है, क्षत्रिय ब्रजवासियों को कृष्ण सबसे ज्यादा ब्रजवासियों को आनंद प्रदान किया है, ब्रजवासियों में सखाओं को, सखाओं से भी ज्यादा माता जसोमती को उन्होंने आनंद प्रदान किया है, लेकिन जो पूर्णतम रूप में उन्होंने जो आनंद प्रदान किया है क्षत्रिय ब्रज गोपियों को उन्होंने ये आनंद प्रदान किया है। इसलिए पहले हम सुन रहे थे ना कृष्ण जब कभी मूर्छित हो गए वृंदावन की चिंता करते करते कृष्ण कभी द्वारका में मूर्छित हो गए, जब मूर्छित हो गए इतने में नारद जी आए, बोले उनका मूर्छा भंग कैसे होगा, बोले मूर्छा भंग हो सकता है वो जिस ब्रज को चिंतन करते 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 वो बेहोश हो गए, अगर वहाँ पर ब्रज का परिवेश अगर सृष्टि कर दिया जाए उनको हो सकता है फिर उनको चेतनता आ सकती है, बोले कहाँ ले जाओ, इसलिए से ब्रह्मा जी नव वृंदावन बनाए, फिर कृष्ण को गरुड़ को पीठ के ऊपर बैठा करके नव वृंदावन में ले गए, और कृष्ण का जो द्वारकाधीश जो बेश था सारे बेश को उन्होंने उतार दिया, उतार करके उनको पूरा ब्रज का श्रृंगार से उनको श्रृंगार कर दिया, और दाऊ भैया को भी पूरा द्वारक का बेश राजा अधिराज जो बेश को उतार करके उनको ब्रज बेश में उनको सज्जित कर दिया, और वहां पर ब्रह्मा जी ऐसे सचमुच से नव वृंदावन बनाए, ऐसे सुंदर वृंदावन बनाए जैसे कृष्ण सचमुच से गैया चराने के लिए जा रहे, सामने गैया बछड़ा प्रकट कर दिए है, बड़े सुंदर सुंदर कुंज बना दिए, कृष्ण जब जाते हैं कैसे गोपियां कुंज की आड़ से कैसे घूंघट उठाकर कैसे देखती हैं, और कृष्ण जब जाते हैं और मैया जसोदा कैसे लाला को मक्खन कैसे खिलाती है, मैया ऐसे बनाया स्टैचू लगता है जो माँ जसोदा, और उनका हाथ में मक्खन भरवा दिया, और राधा रानी जैसे कुंज से दर्शन करती हैं, राधा रानी को भी ठीक वैसे कुंज बना करके राधा रानी को भी सुंदर कुंज में प्रकट कर दिए, फिर उन्होंने फिर वहां के सबके सब द्वारकावासी सत्यभामा रुक्मणी तालती मित्र पिता सबके सब महिषिया वहां पर उद्धव आदि पहुंचे, और वहां पर हैं कहते पद्मा कहते कंस की जो मैया डोकरी और बुढ़िया भी पहुंची वहां पर, सबके सब वहां पर पहुंचे है, हम देखेंगे कृष्ण क्या करते हैं, उनको बोल दिया देखो नारद जी ये काम करो कोई पास में फटकना नहीं, क्योंकि कृष्ण को पता नहीं चले मैं द्वारका में, कृष्ण को ये पता चले अभी मैं वृंदावन में, इसलिए तुम लोग सबके सब दूर से आड़ से सबके सब छुप जाओ, सबके सब है
सबके सब छुप जाओ। अभी वो सबके सब आड़ से सबके सब छुप गए। इतने में बलदेव प्रभु हैं, बलदेव प्रभु आए, आकर के पूरा पूरा ब्रज का ड्रेस है उनका पूरा श्रृंगार, आकर बोले कान्हा तू अभी तक भी सो रहे हो, अरे देखो सूरज सूरज आज कितने ऊपर उठ गए, हम लोग आज बड़े दूर तक गोचार करने के लिए जाने का था, देखो सारे सखा लोग कैसे खड़े हुए और खिले उड़ा रहे, अभी भी कान्हा अभी तक भी कन्हैया सो रहा है, उठो उठो जल्दी उठो, देखो सब गोपियां सब खड़ी हुई है, देखो सबके सब हैं, इसलिए जल्दी उठो। जब उन्होंने ऐसे बोले कितने में कृष्ण ब्रज का चिंतन करते करते कृष्ण बेहोश हो गए थे, कितने में कृष्ण सोच रहे हैं मैं वृंदावन में हूँ, अब वृंदावन में रहते समय मैया यशोदा जब उनको उठाया करती थी, कृष्ण जिस भाव से उठते थे, उनका जो आसन जैसे उनका लटकर झटकर ढकनी, उनकी बोलनी, उनकी जो था पूरा का पूरा कृष्ण ब्रज की भाव से कृष्ण उठे। और सचमुच से देखा सामने दाऊ भैया, वो भी वृंदावन का ड्रेस पहने हुए है, वो वृंदावन की ड्रेस को पहने हुए। इतने में जो कालिंदी विक्रमिता सब थी ना, वो देख रहे थे कृष्ण कभी कभी जब सोते हैं तो इनके पास में कृष्ण, लेकिन रोते हैं वृंदावन वास में, हा राधे तुम कहाँ हो, हा ललिते तुम कहाँ हो, हे श्रीदाम हे वसुदेव हे धवली हे श्यामली बोल करके सोते थे महिषियों के पास में, लेकिन रोते थे ब्रजवासियों के लिए। कभी कभी तो राधा रानी की नाम ले लेकर के ब्रजवासियों का आंखों का आंसू से पूरा की पूरा तकिया भिगो देते, इसलिए कभी कभी महिषियां सोचती थी ये सब ग्वालिनियां कंडा बिलने वाली दधन मंथन करने वाली पता नहीं कृष्ण को क्या जादू थोड़ा कर दिया, अरे हम एक से एक सुंदरी हैं, अब किसकी घर से राज घराने की लड़की, सारे विद्या में एक्सपर्ट हम लोग, सारे विद्या में अध्ययन करके आए, हम सबके सब कोशिश करते हैं कृष्ण को कैसे हम सुख प्रदान करें, लेकिन हमारी सेवा से कृष्ण सुखी नहीं होते, रहते हैं हमारे साथ में, रोते हैं ब्रजवासी के लिए, इसलिए कभी कभी सोचती हम लोगों ने क्या जादू टोना कर दिया, इसे क्या प्रेम करते थे। लेकिन जब उन्होंने आज उन्होंने देखा कृष्ण वृंदावन में रहते हुए वृंदावन में जो ब्रजवासियों के प्रति उनका जो प्रेम, सखा माताओं के प्रति उनकी जो भावना, कृष्ण की जो लटकन झटकन उनको देखना जो था अद्भुत था, सबके सब मित्र पिता कालिंद रुक्मिणी देखकर पागलीन हो गई, और कृष्ण को पकड़ने के लिए ना वृंदावन में रहते समय उनका जो हाव भाव उनको पकड़ने के लिए भाग रही थी, लेकिन उद्धव नारद आदि बड़े कष्ट से उनको रोक रहे थे, और जो पद्मा थी 100 साल की बुढ़िया है वो एकदम छोरी हो गई, छोरी बन गई जैसे, वो भूल गए मैं बूढ़ी हूँ, मतलब कृष्ण इतने सुंदर ब्रज की जो भाव उनकी, इतने सुंदर ब्रज का जो भाव है जिसको देख करके पद्मा तो पागली हो गई, कृष्ण को चुंबन करने के लिए, कृष्ण को आलिंगन करने के लिए वो भाग रही थी, और उनको बड़े कष्ट से रोक रहे थे हैं, उनको बड़े कष्ट से रोक रहे थे। इसलिए फिर इनको पता चला सचमुच से कृष्ण ब्रज में जो जो माता यशोदा सखियां इनको दासियों को दासियों को दासियों को कृष्ण जितने प्रेम करते हैं उतना कृष्ण हमें प्रेम नहीं करते हैं, इतना प्रेम कृष्ण नहीं करते, सचमुच से ब्रजवासियों का जो प्रेम कृष्ण उनको जो प्रीति करते हैं इसको साथ में हम किसी को भी तुलना नहीं कर सकते हैं। इतने में कृष्ण जो उठे उनको जो चाल चलन हाव भाव था, इतने में मैया पास में बैठी हुई मक्खन को लेकर के कृष्ण कहते मैया मैया जानते हो मैं रात में कितना स्वप्न देखा, पता नहीं मेरी कितने शादी हो गई हैं, मेरी कितने में स्वप्न देखा 16,160 बनना है, मेरी शादी हो गई भैया, आज तक देर हो गया मैं जा रहा हूँ, आज दूर में जाना पड़ेगा गया चराने के लिए, मैं जब वापस आऊंगा ना तेरे को सारी बात बताऊंगा हैं। वो लग रही सचमुच भैया यशोदा वो स्टैचू लग रहा था। कृष्ण जब थोड़ी दूर जाते हैं गोपियां जैसे कुंज की आड़ से दर्शन करते राधा रानी भी, इतने में कृष्ण हर गोपियों को तरफ में देख करके मीठी मीठी मुस्कुराते हुए जब राधा रानी को पास में जाते हैं, इतने में कहते राधे लगता है तेरे को मेरे स्वप्न की बात पता चल गया, मैंने जो स्वप्न देखा 16,160 पटरानियों से मेरी शादी हो गई, लगता है ये बात तेरे को पता चल गया लगता है, इसलिए तू इतना मान करके खड़ी हो पास में नहीं आ रही हो है, इसलिए कोई बात नहीं जो रात में मिलूंगा ना मैं तुम्हें सांत्वना प्रदान करूँ। कृष्ण जब थोड़ी दूर गए
इतने में देखा वहां पर तो समुद्र लहरा रहे हैं, समुद्र लहरा रहे, वो ये क्या, मैं तो वृंदावन में था अब ये समुद्र कैसे लहरा रहे हैं। फिर उनको पता चला कभी मैं वृंदावन में नहीं, अजय में कहा पर इसलिए यहाँ विश्वनाथ चक्र ठाकुर यहाँ पर ये टीका में कह रहे हैं कृष्ण का जो सुंदर था ये यद्यपि सबको ये आनंद प्रदान किया है लेकिन इस सर्वतम रूप में उन्होंने आनंद किसको प्रदान किया है, कहते सर्वतम रूप में आनंद प्रदान किया उन्होंने ब्रजवासियों को, विशेष करके ब्रज गोपियों को, उन्होंने राधा रानी को पूर्णत रूप में आनंद प्रदान किया। तो यहाँ पर कह रहे हैं दृष्टि भी ही पिबंत नित्य सबम सबम ने, इसलिए कृष्ण को जब दर्शन कर रही थी क्या लग रही थी, जैसे नित्य उत्सवम, इसलिए जब जब कृष्ण को ये दर्शन करती है लगती है जैसे इसको तो जीवन में कभी हमने देखा ही नहीं, जीवन का पहला बार से आप इनको देख रहा हूँ, इसलिए कभी कृष्ण कभी राधा रानी आकर के कोई सखी आकर के राधा जी को बोले बोले राधे आज तक श्याम सुंदर को मैंने सर से लेकर चरण तक हमने पूरा दर्शन किया। राधा रानी कहते तो बड़ी सौभाग्यवती है, मैं तो कृष्ण को कभी पूर्ण रूप में दर्शन कर ही नहीं पाया, अगर उनकी चरण के नग्न में अगर नजर पड़ जाए ना मेरा आग तो चुंबक जैसे वहीं पर लग जाती है और कहीं जाती नहीं, हमारा आग कहीं भी एक अंग पर कृष्ण के लग जाए तो क्यों। यहाँ पर कहते भूषणांग में कृष्ण कैसे, हम श्रृंगार क्यों करते हैं अपना सौंदर्य तो बढ़ाने के लिए, लेकिन कृष्ण को जो श्रृंगार होता है किस लिए श्रृंगार करते हैं, कृष्ण की सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं, वो श्रृंगार की सुंदरता बढ़ता है, कृष्ण का सुंदरता बढ़ती नहीं। इसलिए कृष्ण के कपड़े क्यों पहनते, कारण है कृष्ण का अंग में नजर लग जाए, उनकी अंग में नजर नहीं लगी जाए इसलिए वो इतने सुंदर, इसलिए कपड़े के द्वारा अपना शरीर को कृष्ण ढक करके रखते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कहते ये क्या है, कहते ये इसलिए कृष्ण का दर्शन करते हुए ये आंख का जो पलक झपकी है, ये आंख का पलक को भी ये निंदा करती है, ब्रह्मा को तो सृष्टि करना आता ही नहीं, कृष्ण इतने सुंदर दर्शन करने के लिए केवल दो ही आंख दे दिए और वो आंख बीच बीच में क्या करता है, ये पलक झपकी, इसलिए तो उनको सृष्टि करना आता है। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर यहाँ पर टीका में यहाँ पर कहते हैं इसलिए उन्होंने बताया प्रेम तीन तरह का है, एक साधारण प्रेम, एक सामंजस्य प्रेम और एक समर्था प्रेम। कभी ये साधारण प्रेम किसकी अंदर में, कभी ये कुब्जा को अंदर में है, ये कुब्जा को अंदर में ये साधारण प्रेम है, कभी ये सामंजस्य प्रेम किसको अंदर में, बोलिए ये मनीषियों के अंदर में, और समर्था प्रेम किसको अंदर में, बोलिए ब्रज गोपियों के अंदर में ये समर्था रहती, क्योंकि कृष्ण को वशीभूत करने में ये समर्थ है। लेकिन महिषियों के अंदर में जब उनकी शादी हो गई है, जब शादी हो गई फिर क्या हुआ, फिर जब उनको बच्चे हो गए पर उनका प्रेम किसको प्रति चला गया, बच्चों को प्रति चला गया आधा और कृष्ण को प्रति हो गया आधा, वो कृष्ण को पूर्ण रूप में नहीं दे पाई क्योंकि आधा आधा बट गया बच्चों में, लेकिन वो किया तो फिर तो उनको बच्चे नहीं कुछ भी नहीं, उनसे पूरा के पूरा जो कुछ करते हैं सांस मनमनस का पूरा के पूरा जो मनमना भव पूरा के पूरा कृष्ण के चरण में इनका प्रेम है और उनको जो प्रेम है समर्था प्रेम है। इसलिए यहाँ पर विश्वनाथ चक्र ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं, इसलिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर कह रहे हैं नार्य नराह समुदिताम कुपिताम निमेश, इसलिए कृष्ण को दर्शन करते हुए आंख का निमिष पड़े तो उसको क्रोधित होकर उसको गाली देते हैं, इसलिए कृष्ण इतने सुंदर कृष्ण है। इसलिए यहाँ पर बोले जातो गतप्रीति गृहात् ब्रजमेधितार्थ हत्वारि पुन सुत सुतानि कतरु रुदारम, जब भागवत को प्रारंभ कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी कहते ये लास्ट श्लोक प्रयोग कर रहे हैं, कहते उन्होंने एक श्लोक पूरा पूरा उन्होंने कृष्ण लीला को पूरा उन्होंने वर्णना कर दिया है, कृष्ण कैसे जातो गतप्रीति गृहात्, कृष्ण कैसे मथुरा के कंस के कारागार में प्रकट हुए, वहां से कैसे गोकुल में गए और गोकुल में जाकर के कृष्ण क्या किया, कैसे पुतना अघासुर बकासुर को उन्होंने कैसे बध दिया, फिर गोपियों के साथ में कैसे रास रचाई,
कैसे गिरिराज गोवर्धन धारण किया, मथुरा में कंस को कैसे उद्धार किया, द्वारका कैसे गए, फिर 16,108 बटरानियों से कैसे शादी की, हर पत्नियों से उनको 10-10 बेटे हुए और एक एक बेटी हुई, और बेटी होकर के ऋषियों से उन्होंने अभिशाप को ग्रहण किया और प्रभास क्षेत्र में गए और जाकर के उन्होंने अपना नित्य धाम को चले गए। इतना बोल करके ना श्री सुखदेव गोस्वामी बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से बोलो बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उन्होंने एक श्लोक में पूरा कृष्ण कथा पूरा गा करके धन्य कर दिया और चुप हो गए। वैकुंठ महाराज तो देख रहे हैं, बोले क्या हो गया, बोले पूरी कथा कृष्ण कथा ना सुना दिया, पूरी पूरी कृष्ण कथा तो सुना दिया। तब श्री तब उन्होंने एक श्लोक में पूरी क्यों कथा सुना दी, तो उन्होंने एक दो कारण ये कह रहे हैं। अभी सुखदेव गोस्वामी कौन है, यदि ये प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया और ये पवित्र चर जो प्रिय तो बनी कोई साधारण नहीं, या साधारण की प्रिय सुख है, ये भी कृष्ण कथा बोलने के लिए ये भी तरस रहे थे। लेकिन अभी तक 4 दिन हो गया, अभी कृष्ण कथा सुनाएंगे, इनके अंदर जब अभी कृष्ण कथा कहीं सुना कृष्ण कथा सुना। लेकिन जब कृष्ण कथा आ गया ना, उदाहरण दिया जैसे एक व्यक्ति जेठ की महीना हो, एकदम तपी हुई सूरज है, किरण है, एकदम छटपट छाती फट रहा है प्यास के मारे, वो आते ही एक ग्लास उसको जूस दे दो, वो क्या करेगा, वो ढक करके एक साथ में पूरा पूरा वो पी लेगा। उसी तरह श्री सुखदेव गोस्वामी भी कृष्ण विरह में, राधा रानी के विरह में कब आएगा, हम कृष्ण कथा कब सुनाएंगे, कृष्ण कथा कब सुनाएंगे, उनको मन में वो उत्कंठा हो रहा था। लेकिन जब दशम स्कंद आई, जैसे टीवी में पूरा पूरा जैसे हम सीरियल देखते हैं, इनके हृदय में तो पूरा पूरा कृष्ण लीला पूरा सीरियल उतर गया। जब उतर गए उन्होंने क्या किया, पूरा के पूरा उन्होंने ढक 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 करके पूरा पूरा कृष्ण कथा को, जैसे अगस्त मुनि एक चूल भर में पूरा के पूरा समुद्र को पान कर लिया था, इन्होंने एक श्लोक में पूरा के पूरा कृष्ण कथा को पान कर लिया। जब पान कर लिए, ये एक कारण था। दूसरा कारण था, परीक्षित महाराज भी परीक्षा कर रहे थे कि क्या सचमुच से कृष्ण कथा सुनने के लिए बैठा है। 4 दिन तो हो गया है, वो तो 4 दिन तो हो गया, सचमुच से क्या कृष्ण कथा सुनने बैठे। जब उन्होंने बोल दिया, बोले भैया तो 4 दिन हो गया, एक बूंद पानी भी नहीं दिया, थोड़ा तो पानी पी लो है, उसको बाद बोले पानी के लिए तो जितना गड़बड़ी हुआ, पानी पीने के लिए गया, पानी नहीं दिया ऋषि, गले में सर्प डाल दिया श्रृंगेरी ऋषि ने अभिशाप, तभी तो इतना गड़बड़ी हुआ, पानी की बात मत करो। इसलिए आप जो कथा मृत को पान कराते हो, आप जो मुख चंद्र को दर्शन करते हुए जैसे चकोर वो जैसे है, जैसे चंद्रमा का किरण को पान करता है, आपके मुखार विद्या से कृष्ण कथा रूपी जो मंदार की जो नदी, उसमें मैं गोता लगाते लगाते मैं उसमें तृप्त हो रहा हूँ। इसलिए पानी की बात मत किया करो, पानी की बात करेंगे ना फिर प्यास लग जाएगी, इसलिए आप कथा को बंद मत करो, कथा ही सुनाते रहो, मैं उसी में ही गोता लगा रहा हूँ। जब उन्होंने ये बात को बोले वो खुश हो गए, खुश होकर उन्होंने भैर तो फिर कृष्ण कथा बोले, तो पूरा उन्होंने पूरा पूरा 3 दिन तक कृष्ण कथा सुनाई। इसलिए इसको क्या फिर कल हम लोग सुनेंगे, हमारे संजय प्रभु जी यहाँ पर और हमारे ये प्रभु जी उस बोलने का इच्छा 3-4 दिन से ये है। तुम थोड़ी सी बोलते बोल, कोई बात आप 10 मिनट बोलो प्रभु जी, 20 मिनट बोलो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद अष्टोत्तर तथा भक्ति वेदांत श्री माधव गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ।
तत्पश्चात पूज्यपाद शील परमेश्वरी प्रभु जी एवं उपस्थ शील महाराज पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी एवं उपस्थ समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। जैसा कि श्रील महाराज जी श्रीमद् भागवतम की कथा हमें श्रवण करा रहे हैं, तो मैं उसी प्रसंग में थोड़ा कुछ बोलने का चेष्टा करूँगा। जैसा कि श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य कैसे हुआ, श्रीमद् भागवत क्या है, इसका महत्व क्या है और इसकी अन्य ग्रंथों से क्या वैशिष्ट्य है, इसके बारे में। तो एक समय की बात है, श्री व्यास देव जी जब 17 पुराणों की रचना कर दी उन्होंने और इतने सारे शास्त्र लिख दिए, उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त का समय था, अपने बद्रिका आश्रम में बैठे हुए थे और बहुत गंभीरता से विचार कर रहे थे। उसी समय उनके गुरुदेव श्री नारद जी वहाँ उपस्थित हुए और हमारे गुरुदेव हमारे मन की बात को समझ लेते हैं। तो श्री नारद जी ने व्यासदेव जी से कहा, हे व्यासदेव जी, आपने 17 पुराण लिख दिए, इतने सारे वेद और शास्त्रों की रचना की, लेकिन आपका मन कुछ विचलित है, बेचैन सा लग रहा है, कुछ शांति नहीं मिल पा रही आपको। तो व्यासदेव जी बोले, हाँ गुरुदेव, क्या करें हम। तो नारद जी ने कहा कि आपने इतने सारे पुराण लिखे, क्या कोई ऐसा ग्रंथ लिखा जिसमें भगवान को सच्चिदानंद या फिर पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को ही केवल पूर्ण कृष्ण की महिमा वर्णन करने वाला कोई ग्रंथ लिखा। तो श्री व्यासदेव जी बोले, नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं। तो बोले, आपने यही कमी की है, इसलिए आपको शांति नहीं मिल पा रही है। तब श्री व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम महापुराण की रचना की। उसका कहना है कि श्रीमद् भागवतम इस पृथ्वी में इस धराधाम पे कैसे आया, तो कह रहे हैं कि कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलो नष्ट दिशा में इस पुराणार्थ अधुनोदिता, कि जब श्री कृष्ण अपनी लीला समापन करके इस धराधाम से चले गए तो उनके साथ में धर्म और ज्ञान भी चले गए और इस प्रकार जो जगत में पूर्ण रूप से अंधकार से छा गया, उस अंधकार को दूर करने के लिए इस पृथ्वी पे धराधाम पे श्रीमद् भागवत रूपी पुराण सूर्य के रूप में उदित हुआ। कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम की इतनी महिमा क्यों है, तो इस कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत ताते वेद शास्त्र हित परम महत्व, कि श्रीमद् भागवतम जो है कृष्ण भक्ति रस का छलकता हुआ सागर है। इसलिए ताते वेद शास्त्र, इसलिए जितने भी वेद और शास्त्र हैं, इससे इस सबका महत्व अधिक है, इन सबसे इसका महत्व अधिक है। कह रहे कि श्रीमद् भागवतम जो है भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, कि पादो यदियो प्रथम द्वितीय तृतीय तुरीय कथित यदुरु नाभिस तथा पंचम एव षष्ठो भुजांतरम दोरयुगलम तथान्यो कंठस्थु राजन नमो यदियो दसमा मुखारविंदम दस यदियो मुखारविंदम दसमा प्रफुल्लम एकादशो यस्य ललाटपटम सर्वपि तु द्वादश एव भाति। ये भगवान का स्वरूप है, इसमें बता रहे हैं कि किस तरह से प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान के दो चरण है और तृतीय और चतुर्थ स्कंद भगवान के गुरु हैं, आगे भगवान के सारे अंगों का वर्णन है। फिर कह रहे हैं कि इस भगवान उनके इस भागवतम को सुनने से क्या होता है, तो कह रहे हैं श्री तुलसीदास जी कह रहे रावण कि राम चरण रति जो चहे अथवा पद निर्वाण और भाव सहित सोए कथा धरो श्रवण कोटि कान, कि यदि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोई व्यक्ति प्रेम चाहता है, उसे प्रेम करना है, तो भगवान श्री कृष्ण की यह श्रीमद् भागवत कथा उसको सुननी चाहिए और सुननी ही पड़ेगी। और उसे कैसे सुननी पड़ेगी, धरो श्रवण कोटि कान, कि इस कथा को सुनने के लिए कोटि कोटि कान हमें करने पड़ेंगे, हमारे तो दो ही कान हैं, इससे काम नहीं चल रहा। तो इसमें कोटि कान का मतलब ये कह रहे हैं कि हमें ध्यान पूर्वक मन दे के सुनना पड़ेगा, शरीर का महत्व उतना नहीं है जितना कि मन का है।
कह कि निजम कल्प दरोर गलतम फलम सुख मुखात अमृत द्रव द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मुहुरौ रसिका भुवि भावुका। ये श्रीमद् भागवतम जो है वेदों का पका रूपी परिपक्व फल है, और इसको कब तक पान करते रहना चाहिए? कह रहे रसमालयम, ये रस है, आलय, आलय में होता प्रलय, और प्रलय का अर्थ होता मृत्यु, कि जब तक मृत्यु ना आ जाए तब तक हमें इस रस को पान करते रहना है। मुहुरौ निरंतर रसिका भूमि भावों का, जो रसिक जन है उनके भावों में विभावित होकर, इसलिए इसको छोड़ाना नहीं है। कहते कि इसको इतने अच्छे से क्यों सुने हम, और भी तो सारे ग्रंथ हैं। तो सुख मुखाद अमृत, जैसे कि हम लोग आम खाते हैं, तो कहते हैं जी कोई तोता यदि किसी आम को या किसी फल को जूठा कर देता है तो वो फल बहुत मीठा हो जाता है। तो उसमें एक कारण होता है कि या तो तोता उसी फल को खाता है जो मीठा होता है, या फिर तोता के खाने से वो फल मीठा हो जाता है। और श्रीमद् भागवतम को जो खाया है, किसने खाया है? श्री सुखदेव जी ने उसको वर्णन किया अपने मुख से, तो इसलिए बहुत अधिक मीठा हो गया है कि श्रीमद् भागवतम की ही इतनी महिमा कह रहा हूँ। तो एक बार श्रीमद् भागवतम में वर्णन कर रहे हैं, जब नारद जी भ्रमण करते करते एक बार श्री वृंदावन धाम में पहुंचे, तो वहां उन्होंने देखा कि एक युवती बैठी हुई है और उसके पास दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं और वो विलाप कर रही है बैठ के। तो नारद जी वहाँ उपस्थित हुए, नारद जी ने उनसे पूछा, ये माते आप क्यों विलाप कर रही हैं, और ये जो आपसे दो बूढ़े लेके बैठे हुए हैं, ये आपके पति हैं या फिर क्या है? तो उन्होंने बोला, हे नारद जी, हे ऋषिवर, मेरा नाम भक्ति देवी है, मैं भक्ति देवी हूँ, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी चौंक गए, नारद जी बोले, ऐसा क्यों माते? तो उन्होंने बताया कि कली के प्रभाव से लोगों ने भक्ति को बिल्कुल छोड़ दिया है, जिसकी वजह से दोनों बूढ़े हो गए हैं। तब नारद जी ने कहा, अच्छा ठीक है माते, मैं जरूर कोई उपाय सोचता हूँ जिससे आपके दोनों पुत्र पुनः युवावस्था को प्राप्त होंगे। तो नारद जी पूरे ब्रह्मांड में तीनों सभी लोगों में विचरण करते करते कहीं उन्हें कुछ नहीं मिला जिससे वो उनको दोबारा युवावस्था में प्राप्त कर सके। तब नारद जी ने क्या किया, स्वयं जितने भी वेद, जितने भी शास्त्र, जितने भी प्राण हैं, पुराण हैं, सारे श्लोकों को उनके कानों में उच्चारण किया। यहाँ तक कि इसमें वर्णन है कि श्री नारायण जी ने, नारद जी ने श्रीमद् भगवद गीता के भी 700 श्लोकों को उनके कानों में उच्चारण किया, लेकिन उनका उठना तो दूर, वो टस से मस भी नहीं हुए। तब नारद जी विचार करने लगे अब क्या किया जाए। तब नारद जी को एक आकाशवाणी सुनाई दी कि सत मुख से सत्संग या सत साधुओं के मुख से इनको सत कथा सुनवाओ, तब इनका कल्याण होगा, तब ये दोबारा अपनी अवस्था को प्राप्त होंगे। तब नारद जी ढूंढने लगे, भाई सतपुरुष कहाँ से लाए जाए और क्या सत कथा हो सकती है। तब विचार करते करते नारद जी फिर फिर नारद जी को मतलब भ्रमण करते करते जो चतुसेन ब्रह्मा जी के पुत्र हैं उनके पास पहुँचे, तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की, हे चतुसेन, जो भक्ति देवी के दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो बूढ़े हो चुके हैं, तो आप उन्हें कथा सुनाइए जिससे वो पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त हुआ। तो सनत कुमार जी जो चार कुमार हैं वो सहमत हो गए, और श्रीमद् भागवतम को बहुत सुंदर आयोजन हुआ। जब श्रीमद् भागवतम का आयोजन हुआ तो सातवें दिन वो दोनों पुत्र और हरिबोल हरिबोल करते हुए खड़े हो गए, और इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम का महत्व स्पष्ट होता है कि सारे वेद और सारे पुराणों के श्लोक नारद जी ने उनके कानों उच्चारण किए फिर भी वो नहीं उठे। और इसलिए भगवान ने श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को जब सुनवाया श्री नारद जी ने चतुसेन के मुख से, तो वे जीवित खड़े हुए। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोक प्रति अक्षरे नाना अर्थ कहे, कि भागवत जो है भगवान श्री कृष्ण का तरह ही है बिल्कुल, और उसका प्रति श्लोक में जितने भी अक्षर हैं अनेक प्रकार के उससे अर्थ निकल सकते हैं, इसलिए श्रीमद् भागवतम का अधिक महत्व। हरे कृष्णा वांछा कल्पद्रुपेश कृपा।
और किसी की इच्छा है तो पूरी तरह बढ़िया गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमो विष्णु पादाय श्री रूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने नमो विष्णु पादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी इति नामिने नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छय गोसाइन करी चरण वंदन जहा हित विघ्ननाश अभीष्ट पूर्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद जगत गुरु नित्य निराभरिष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोकर्ष श्रीमद शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य निराभरिष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोकर्ष श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परंपरा के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सपाल सपरिकर शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जयंतु सपाल सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु जयंतु उपस्थित पूज्य बा श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हमारे पूज्य बाद रामचंद्र प्रभु जी समस्त वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा जथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम लोगों ने हमारे महाराज जी के मुख से जिस प्रसंग को अभी श्रवण किया शिला प्रभुपाद उसी प्रसंग से संबंधित कृष्ण कथा की जो महिमा है कृष्ण कीर्तन की जो महिमा है शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर कहते हैं कि जीव की जीवा पर कृष्ण कीर्तन प्रबल नहीं हो यदि जीव की जीवा पर कृष्ण कीर्तन प्रबल नहीं हो तो माया का कीर्तन उसकी एकादश इंद्रियों पर अपना आधिपत्य विस्तार करेगा। समझ में आई बात? यदि जीव की जीवा पर कृष्ण कीर्तन प्रबल नहीं होगा तो उसकी एकादश इंद्रियों पर माया का जो कीर्तन है वो आधिपत्य विस्तार करेगा। तो इसलिए शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हमको बड़े प्रबल रूप में कृष्ण कीर्तन करने की आवश्यकता है। तो शिला प्रभुपाद जी ने कृष्ण कीर्तन का जो प्रकार है उसकी बड़े विशेष रूप में महिमा बतलाई है। शिला प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण का कीर्तन और बड़े वैशिष्ट्यपूर्ण रूप से शिला प्रभुपाद कहते हैं, वो कहते हैं कि कृष्ण का कीर्तन पांच प्रकार का है। साधारण रूप में हम लोगों ने सुना होगा नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन और परिकर वैशिष्ट्य कीर्तन। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं श्री जीव गोस्वामी चरण ने संदर्भ में कहा है बड़े स्पष्ट रूप में कि साधक के लिए सर्वप्रथम नाम श्रवण करने की आवश्यकता है, नाम का अनुशीलन करने की आवश्यकता है। नाम का अनुशीलन करते करते क्या होगा, ये कौन बात कर रहा है? नाम का अनुशीलन करते करते क्या होगा, चित्त स्वच्छ होने पर नाम की कृपा से रूप का कीर्तन, उसके पश्चात गुण कीर्तन, उसके पश्चात लीला कीर्तन और उसके पश्चात परिकर वैशिष्ट्य का कीर्तन, ये स्फुरित होगा। तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण नाम की क्या महिमा है, जब तक वस्तु की महिमा को श्रवण ना किया जाए तब तक उसके प्रति अनुराग होना भी बड़ा कठिन है। इसलिए वेदव्यास जी ने अभी सुन रहे थे ना दशम स्कंद से श्री नारद जी ने उनको कृष्ण लीला का वर्णन करने के लिए उपदेश दिया। क्यों? श्री वेदव्यास जी ने तो सब कुछ वर्णन कर दिया था, भगवान के अन्य अन्य अवतारों के विषय में भी बहुत कुछ कह दिया, किंतु उनका चित्त संतुष्ट नहीं हुआ तो नारद जी ने उनको कृष्ण लीला वर्णन करने का उपदेश दिया। किंतु श्री वेदव्यास जी ने कृष्ण लीला कहां से वर्णन करनी आरंभ की, दशम स्कंद से। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं पहले 9 स्कंद रचना करने की क्या आवश्यकता थी, जिस वस्तु के कारण उनका
चित्त जो है वो संतुष्ट नहीं है, कृष्ण लीला का वर्णन नहीं किया, ब्रज लीला का वर्णन नहीं किया, ब्रजवासियों की भक्ति की महिमा नहीं बतलाई, इसी कारण तो चित्त असंतुष्ट है। किंतु फिर भी जब नारद जी ने उनको उपदेश दिया तब भी वेद व्यास जी ने दशम स्कंद से कृष्ण लीला आरंभ की, तो पहले नौ स्कंद रचना करने की आवश्यकता क्या थी? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं पहले नौ स्कंद में क्या वर्णन किया है वेद व्यास जी ने, भगवान के नरसिंह अवतार, वराह अवतार, कूर्म अवतार, सब अवतारों का वर्णन किया, भगवान के भक्तों की भी महिमा का वर्णन किया, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, अम्बरीश महाराज जी का उपाख्यान, बहुत कुछ वर्णन किया किया तो उसके पश्चात दशम स्कंद की कथा वर्णन की। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं पहले नौ स्कंद में जो नरसिंह अवतार, राम अवतार, कूर्म अवतार, इन सब की कथा वर्णन की, श्री वेद व्यास जी बतला रहे हैं कितना महात्म्य है भगवान के एक एक अवतार का, कितना महात्म्य है। किंतु वो सब अवतार कौन है? इते चांच कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये तो एते जिन सब अवतारों का वर्णन किया ये क्या है? कृष्ण का अंश है, कृष्ण की कला है, किंतु स्वयं कृष्ण कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो तो स्वयं भगवान है। तो श्री वेद व्यास जी का विचार श्रील प्रभुपाद जी बतलाते हैं पहले नौ स्कंद में जो सब अवतारों की इतनी महिमा गाई और उसके पश्चात कृष्ण को कहा ये स्वयं भगवान है, कितने महिमाशाली है नरसिंह भगवान, हिरण्यकशिपु ने कितने व्रत ले लिए, कितने ब्रह्मा जी से वर ले लिए, किंतु इतना बुद्धि लगाने पर भी नरसिंह भगवान ने एक क्षण में उसका वध कर दिया। वामन भगवान कितनी महिमा है, त्रिपदी पूरे अखिल ब्रह्मांड ऊपर से नीचे तक पाताल सबको नाप दिया, वो सब क्या है? कृष्ण का अंश और कला। तो कृष्ण की कितनी महिमा होगी, और वो कृष्ण जिन ब्रजवासियों के विशेषकर ब्रज गोपियों के श्रीमती राधिका के चरणों में अपना मस्तक रखकर कहते हैं समर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि मे पद पल्लव मुदा, तो उन राधा जी की कैसी महिमा होगी, उन ब्रजवासियों की कैसी महिमा होगी। तो इसलिए इस महिमा को समझाने के लिए पहले नौ स्कंद रचना करने की आवश्यकता पड़ी। ये परब्रह्म कोई साधारण नहीं है, भगवान वाचा, भगवान वाचा क्यों बतला रहे, इतनी महिमा है और वो ब्रजवासियों के प्रति ऐसे वशीभूत है, इसलिए महिमा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं आरंभ में महिमा श्रवण करनी होगी, तो श्री नाम की महिमा क्या है? श्रील प्रभुपाद कहते श्री रूप गोस्वामी नामष्टक में कह रहे हैं निखिल श्रुति मौली रत्न माला धुति निराजित पाद पंकजान अई मुक्त कुल रूपास्य मानव परितस्त्वां हरि नाम संशयामि। जितनी निखिल श्रुति मौली जितनी श्रुतियां है ना उन सबकी रत्नमाला जो है वो क्या कर रही है? धुति निराजित पाद पंकजान, ये श्री नाम प्रभु के चरणों की जो नख है ना, नख चरणों का, उसकी जो धुति है उसकी आरती उतार रही है। और अई मुक्त कुल है उपास्य मानम, और ये श्री नाम क्या है? ये मुक्त कुल के भी उपास्य है, ऐसी कृष्ण नाम की महिमा है। किंतु इसमें क्या है, बड़ा ऐश्वर्य प्रकाशित हो रहा है, बड़ा ऐश्वर्य। श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने ये ऐश्वर्य परक महिमा के साथ साथ में एक बड़ी रसमयी व्याख्या भी की है, रसमयी महिमा का भी वर्णन किया है, जिसको सुनकर के श्री हरिदास ठाकुर जी श्लोक सुनी हरिदास भैया उल्लासी नाचिते नागिला श्लोकेर अर्थ प्रशंसी। जब श्रीमन महाप्रभु जी की इच्छा से श्री रूप गोस्वामी जी ने नाम की महिमा का वर्णन किया सिद्ध बकुल में, क्या महिमा बतलाई? तुंडे तांडव विनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धे कर्ण क्रोड कडंबिनी घटयते कर्णार्बुदे प्योस प्राम चेता प्रांगण संदिनी विजयते सर्वेंद्रियाणाम कृतिम नो जाने जनिता कियत ब्रह्मृते कृष्णेति वर्णद्वयी। अरे ना जाने ये कृष्ण इन दो वर्णों में कैसा अमृत भरा हुआ है, जब ये जीवा पर उदित होते हैं तो इच्छा होती है कोटि कोटि जीवा हो जाए, जब ये कानों में प्रवेश करते तो इच्छा होती है कोटि कोटि कान हो जाए, जब ये हृदय में प्रवेश करते तो क्या इच्छा होती है, ये समस्त हृदय में प्रवेश करके समस्त इंद्रियों को स्तब्धीभूत कर देते हैं। श्रीमती राधिका सुनती है ना कृष्ण नाम, स्तब्धीभूत हो जाती है, सारी इंद्रियां जड़ प्राय हो जाती है, ऐसी रसमयी महिमा है इस नाम की। किंतु हमको अनुभव होती है ऐसी महिमा, हमको अनुभव होती है? श्री प्रभुपाद जी कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदामुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म सनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सर्वात्म सनपनम परम विजयते और पूर्णामृत पग पग पर पूर्ण अमृत का आस्वादन कराने वाला ये जो भगवान का नाम, और इस श्लोक की बड़ी अद्भुत व्याख्या की श्रील प्रभुपाद जी ने, वो कहते हैं सात प्रकार का मंगल होता है श्री नाम संकीर्तन से, क्या होता है? सात प्रकार का मंगल होता है। अब उस महिमा उस व्याख्या को तो पीछे कभी श्रवण करेंगे, किंतु श्रील प्रभुपाद जी कह रहे ऐसी इस नाम की महिमा है
श्री वेदव्यास जी ने क्या किया, पुराणों की रचना की, उप पुराण की रचना की, शाखा पुराण की रचना की, और अंत में सबका सार किसमें भर दिया, वेदांत सूत्र में। अंत में क्या लिखा वेदांत सूत्र के, अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात, शब्द की पुनः पुनः अनावृत्ति करो, रिपीटेशन करो, किंतु किस शब्द का रिपीटेशन करो ये नहीं बतलाया, बतलाया केवल लिख दिया अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात, किस शब्द की अनावृत्ति करो ये नहीं बतलाया। उसके पश्चात में वेदांत की भी जो व्याख्या है वो श्रीमद् भागवत की रचना की कहां से आरंभ किया, जन्माधस्य गतो अन्वयादि इतरचा अर्थेश्वभी के स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कव्य मुह्यंती जन सूर्य, अंत में क्या कह दिया सत्यम परम धीमहि, ध्यान से आरंभ किया उस सत्य वस्तु, परम सत्य वस्तु का मैं ध्यान करता हूं, किंतु अंत कहां पर किया, अंत कहां किया, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामोदम शमनस्तम नमामि हरिं परम, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तन की तो बात कही किंतु शब्द क्या बतलाया, हरि। अरे हरि शब्द के तो बहुत अर्थ हैं, हरि शब्द के तो बहुत अर्थ हैं, पहले तो बताया ना वृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात, शब्द की पुनः पुनः अनावृत्ति करो, किंतु किस शब्द की करो ये नहीं बताया। फिर श्रीमद् भागवत ने उसको थोड़ा सा और स्पष्ट कर दिया, हरि शब्द, किंतु हरि शब्द का बहुत सारे अर्थ है, हरि शब्द का एक अर्थ तो सिंह भी है, और भी बहुत अर्थ है हरि शब्द के, किंतु जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी जगत में प्रकट हुए तो उन्होंने क्या बतलाया, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, इस श्री कृष्ण संकीर्तन का कीर्तन करने से क्या होगा, चित्त रूपी दर्पण मार्जन होगा, और इसकी महिमा इसके माध्यम से क्या होगा, रूप गुण लीला स्फूर्ति को प्राप्त करेंगे। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री रूप गोस्वामी जी ने यह क्रम बताया, उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु जी यदि जगत में नहीं आते हम लोग तो अनभिज्ञ ही रह जाते, नाम संकीर्तन तो करना है, अरे राम के नाम का संकीर्तन नहीं होगा, नरसिंह के नाम का संकीर्तन नहीं होगा, वरा भगवान पूर्ण देव के नाम का संकीर्तन नहीं होगा, किंतु परम विजय थे इन सबसे भी जिस जो सदा सर्वदा परम विजयी हो रहे हैं वो कौन है, श्री कृष्ण संकीर्तन। और श्री कृष्ण संकीर्तन में भी कौन सा श्री कृष्ण संकीर्तन, अब यदि समय होता ना दो चार घंटा तो इसको सुनते, गुरु महाराज जी क्या बतला रहे हैं इसके भीतर। श्री कृष्ण संकीर्तन में भी उद्धव जी ब्रज में आए, इसको समझना है भाई, इसमें प्रवेश करना, ऐसे ही जीवन यापन नहीं कर देना, यदि गौड़िया मठ के आश्रित हो गए और गौड़िया मठ की जो मूल संपत्ति प्रभुपाद जी के हमारे गुरुवर्ग के विचार, यदि उसमें कुछ प्रवेश नहीं किया ना हम वंचित हो जाएंगे। एक एक विषय वस्तु को श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जैसा बतलाते हैं ना, अद्भुत क्या क्रम बतला रहे हैं, पहले अनावृत्ति शब्द, उसके पश्चात तम नमामि हरिं परम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिं परम, उसके पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु जी जगत में आविर्भूत होकर परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, किंतु कौन सा श्री कृष्ण संकीर्तन, उसमें भी कौन सा श्री कृष्ण संकीर्तन परम विजयी हो रहा है। उद्धव जी ब्रज में आए, अंत में क्या कहा, ब्रज में आकर के वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु भीषणस यासाम हरि कथोद्गीतम, ये जो राधा जी के जो भाव है ना, ये जो हरि कथोद्गीतम, ये जो कृष्ण संकीर्तन है जो राधा जी बता रही है, 10 प्रकार का चित्र जल्प जो है, प्रजल्प परिजल्प अभिजल्प आजल्प सुजल्प अभिजल्प, जो ये 10 प्रकार का जो चित्र जल्प है ना, ये सब जो अभिता भाव है, ये जो श्री कृष्ण संकीर्तन है ना, ये परम विजय हो रहा है। फिर तो जब भाव राज्य में प्रवेश करेंगे तो इसकी इतनी गहन व्याख्या, इतनी गंभीर व्याख्या है जिसका कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं। इन सब विचारों को हमको सुनना है, गुरु महाराज जी बतला रहे परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन में भी राधा जी के जो भाव है ना, यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम, अरे ये तो त्रिभुवन को पवित्र करने वाले हैं राधा जी के भाव, उद्धव जी को पवित्र कर दिया, उद्धव जी को पवित्र होने की आवश्यकता है उद्धव जी को पवित्र होने की आवश्यकता, किंतु उनको भी पवित्र कर दिया, किंचित मात्र सा दर्शन किया, स्पर्श किया राधा जी के भावों का, क्या महिमा गुणगान कर रहे हैं राधा जी की, ब्रज गोपियों की, वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम, सब नंद बाबा के ब्रज की स्त्रियों की मैं वंदना करता हूं, और अंत में ये बहुवचन है, और अंत में क्या कह रहे हैं, पाद रेणु भीषणस, ये एक वचन है एकमात्र राधा जी के चरणों की, क्यों, यासाम हरि कथोद्गीतम, ये जो श्री कृष्ण संकीर्तन है क्या अद्भुत, उसमें एक एक प्रकार का जो चित्र जल्प है, अभिता भाव है, प्रिय जन के सुहृत को देखने से हृदय में असूया दैन्य गर्व इत्यादि जो भाव प्रकाशित होते हैं, ये जो श्री कृष्ण संकीर्तन है, कहां तक कृष्ण संकीर्तन की महिमा जा रही है। जशोदा मैया जब कृष्ण संकीर्तन करती है
सखा लोग जब कृष्ण संकीर्तन करते हैं वो परम विजय को प्राप्त कर रहा है, उसमें भी ब्रज गोपियों का जो कृष्ण संकीर्तन, उसमें भी राधा जी का जो कृष्ण संकीर्तन, उसकी क्या अद्भुत महिमा है। किंतु श्री जो महामंत्र जो हमारे गुरु जी ने जो ग्रंथ लिखा ना महामंत्र महिमा, उसमें कहते हैं ये हरे कृष्ण महामंत्र किसी ने उच्चारण किया है, तो सर्वप्रभु राधा जी के मुंह से ही कृष्ण विरह में ये हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राधा रानी का मुंह से विरह भी था। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसी ये नाम संकीर्तन की ऐसी अभूतपूर्व महिमा है, किंतु श्री रूप गोस्वामी जो कह रहे तुंडे तांडव विली रति विनोते तुंडावली लब्धे, हमको हरि नाम करते समय हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं इस बात का कुछ अनुभव करने की चेष्टा करनी चाहिए। रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं इसमें ऐसा अमृत भरा हुआ है, किंतु हमको क्यों नहीं अमृत का आस्वादन होता है, होता है। द्विज चंडीदास जी ने कीर्तन लिखा है सोई केवा सुनाई दे श्याम नाम। ये द्विज चंडीदास जी कौन है पहले उनकी भी महिमा जान लेनी आवश्यक है, है? किंतु इस सीमित समय में किस किस की महिमा हम करें, ऐसा हो जैसा भी सुन रहे थे ना परीक्षित महाराज जी हो और सुखदेव गोस्वामी जी हो, ना तो समय की कोई सीमा है, सुनने वाले की भी तृप्ति नहीं हो रही है बोलने वाले की भी तृप्ति नहीं हो रही, तब होगा भैया विषय पूरी तरह से तब स्पष्ट हो सकता है। ऐसे तो कुछ कुछ जमुना जी में जाकर आचमन करने की भी महिमा है, किंतु स्नान करने की महिमा अधिक है ना आचमन करने की, आचमन तो तब करते जब समय नहीं है, दौड़ भाग है तो झट आचमन करके चलो परिक्रमा में जाना, किंतु जब समय है निश्चिंत तो क्या करेंगे स्नान करेंगे, और वो भी एक दो डुबकी नहीं लगाएंगे, उसमें बार 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 जल में अवगाहन करते रहेंगे शीतलता मिलती ग्रीष्म ऋतु में, ऐसा करना पड़ेगा कभी तो समय आएगा। प्रभुपाद जी के समय में भी ऐसा ही होता था, उनके गण घंटों घंटों बैठते थे और चर्चा होती रहती थी, बस कोई सुध-बुध नहीं है, है और अंत में क्या होता एक बतासा बड़ा वाला बस वो प्रसाद के रूप में बढ़ता। ऐसी भी कल्पना करो कभी हमारा भी जीवन ऐसा है कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन में हम भी ऐसे निमग्न हो जाए, तो द्विज चंडीदास जी की क्या महिमा है। श्रीमद महाप्रभु जी जिस समय भाव का आस्वादन करते ना राय रामानंद जी के साथ में स्वरूप दामोदर जी के साथ में, उस समय उनके भाव आस्वादन का उपायन क्या है, वो सामग्री क्या है, तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते चंडीदास विद्यापति राय नाटक गीति कर्णामृत श्री गीत गोविंद स्वरूप रामानंद सने महाप्रभु रात्रि दिने नाचे गाये परम आनंद। चंडीदास विद्यापति जी के जो गीत है, है? राय रामानंद जी का जो जगन्नाथ वल्लभ नाटक है, ये सब जो है कर्णामृत श्री गीत गोविंद बिल मंगल ठाकुर जी का जो कर्णामृत है श्री कृष्ण कर्णामृत और गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी जी का ये उपायन है, तो द्विज चंडीदास जी इतने बड़े रसिक हैं जिनके गीतों का पदों का महाप्रभु जी आस्वादन करते हैं, तो उनके विषय में उन्होंने कीर्तन लिखा सोई केवा सुनाई दे श्याम नाम, कानेर भीतर दिया मर में पसीदा हो आकुल करी लो मोर प्राण, मेरे प्राणों को आकुल कर दिया ये कृष्ण नाम ने भीतर में प्रवेश करके। कहते ना जानी कतेक मधु श्याम नाम आछे गो वदन छाड़ी ते नहीं पारे, है वदन छाड़ी ते नहीं पारे, नाम को छोड़ने की इच्छा नहीं होती है हमारी अवस्था क्या, नाम को पकड़ने की इच्छा नहीं होती, ये प्रवेश करना भाई इसमें ऐसा अमृत भरा हुआ है। कभी तो बैठकर गुरु महाराज जी कहते कभी तो बैठकर चिंतन करो, रूप गोस्वामी जी का श्लोक हमने स्मरण भी कर लिया 10 बार उसको दोहरा भी रहे हैं, उसमें अमृत क्या भरा है, कभी तो कुछ किंचित सा हमको आस्वादन हो, कभी तो हमारे हृदय से प्रार्थना निकले प्रभु क्या अमृत है इसमें, हमको क्यों नहीं आस्वादन हो रहा है। रूप गोस्वामी जी इतने दयालु उन्होंने इसका भी उपाय बतलाया, देखो यही महिमा है। हरिदास ठाकुर जी को नामाचार्य बतलाया है, उनको ये नामाचार्य की उपाधि किसने दी, महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी इत्यादि ने वो नामाचार्य साक्षात, किंतु जब रूप गोस्वामी ये श्लोक बोल रहे हैं पढ़ रहे हैं श्लोक सुनी हरिदास भैया उल्लासी नाची ते लागिला श्लोक के अर्थ प्रशंसी, जब रूप गोस्वामी जी नाम की महिमा लिख रहे हैं नामाचार्य उत्तर नृत्य करते क्या कहते वो नृत्य कर रहे हैं, नामेर महिमा साधु शास्त्र मुखे जानी नामेर माधुरी एछे कहां नहीं सुनी, मैंने बड़ी महिमा सुनी, कौन कह रहा है, ये सब विचार की बातें हैं भाई, विचार की बातें। नामाचार्य हरिदास ठाकुर कह रहे हैं मैंने नाम की महिमा बड़ी सुनी साधुओं के मुख से और शास्त्रों में, किंतु ऐसी माधुरी इसको तो हमने कभी सुना नहीं। तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं बड़े ऐसे आवेश के साथ में प्रयास करो नाम की ऐसे अमृत जो भरा हुआ उसका आस्वादन करने का, एक क्षण भी उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। तो रूप गोस्वामी जी इतने दयालु हैं, इतनी उन्नत माधुरी का उन्होंने वर्णन किया, किंतु उसके साथ साथ में यह भी बतलाया हम भक्त जी उसका कैसे आस्वादन करेंगे, बतलाया ना रूप उपदेशामृत में स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीतापे विद्यापितो तत् रस नस्य न रोचिकानु, अभी रुचि नहीं हो रही है, अभी रुचिकर प्रतीत नहीं हो रहा है, किंतु
किंतवा धरा धनु दिनम खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी कर्माद भवति तद्गत मूल हंत्री। अरे पित्त का रोग हो गया है इसलिए नाम की ऐसी माधुरी का आस्वादन नहीं हो रहा, किंतु करते 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 एक दिन क्या होगा, क्या होगा, जब ये रोग नाशे रोग मूल क्रमे स्वादु होय हरि श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे तब आस्वादन होगा। तो शिला प्रभुपाद जी कह रहे ये भगवान नाम की महिमा, और बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ। अब इसको तो यही हमको छोड़ना पड़ेगा, आगे भी कुछ बतलाना है इसलिए, नहीं तो बड़ी विस्तृत व्याख्या की प्रभुपाद जी ने। और ऐसी इच्छा होती है बस इसमें ही पूरा कार्तिक मास चला जाए, ये सब बातें ये सब विचार विचार सुनते सुनते कहते कहते और कहीं आवेश ही ना हो। यदि इसमें आवेश हो गया, गुरु महाराज जी कहते थे भजन करने के लिए आवेश की बड़ी आवश्यकता है, यदि आवेश नहीं होगा ना भजन करने के लिए, वास्तव भजन नहीं होगा। महाप्रभु जी कह रहे, गुरु महाराज जी कह रहे महाप्रभु जी का देखो चरित्र, सब समय भजन में आविष्ट है। उनके परिकर देखो, मुरारी गुप्त जी, नित्यानंद प्रभु जी, उनके गण क्या भजन में आविष्ट है। ऐसी आविष्टता, ऐसा आवेश चाहिए भजन के लिए। तो शिला प्रभुपाद जी कह रहे ऐसी नाम की महिमा है। तो ये नाम का कीर्तन, सर्वप्रथम नाम का कीर्तन जीवा पर प्रबल करना होगा। नाम के कीर्तन से क्या होगा, रूप का कीर्तन। अब इसको हम बहुत संक्षिप्त रूप में कहा है, नाम के विषय में बहुत कहा प्रभुपाद जी ने, गुरु महाराज जी ने बहुत कहा, किंतु इसको इसको यही विश्राम दे कि आगे प्रभुपाद जी कहते हैं नाम की महिमा से क्या होगा, नाम की कृपा से रूप का कीर्तन। रूप का कीर्तन हृदय में स्फूर्ति को प्राप्त करेगा। तो कृष्ण रूप का कैसा वर्णन है, शिला प्रभुपाद जी कहते हैं वेणु गीत में बतला है, पूरी भागवत में ही भरा पड़ा है यद्यपि, किंतु वेणु गीत में क्या बतला है, बरहा पीडम नटवर वपु करणीय करणिकारम विप्रत वासा कनक कपीशम वैजयंती चमालम रंध्राण वेणु अदर सुदया पूरियन गोप वृंदे वृंदारण रण्यम स्वपद रमणम प्रावेशत गीत कीर्ति। कैसा अद्भुत कृष्ण का रूप है, किंतु जब नाम की महिमा, नाम के द्वारा हृदय स्वच्छ हो जाएगा ना, तब कृष्ण रूप हृदय में प्रकाशित होगा। कैसा रूप है, बरहा, बरहा माने मोर, अपने मस्तक पर मयूर पुच्छ लगा रखा है। नटवर वपु, नटवर वपु माने, नटवर वपु का अर्थ क्या है, जो प्रेम विलास में बड़े कुशल हैं, ऐसे कृष्ण। करणियो करणिकारम, कान में कनेर का पुष्प लगा रखा है। और विप्रत वासा, बड़ा सुंदर पीताम्बर धारण कर रखा है। वैजयंती च मालम, पांच पुष्पों की वैजयंती माला धारण कर रखी है। और क्या कर रहे हैं, रंध्राण वेणु अदर सुदया पूर्यन गोप वृंदे, ये बांस क्या है, वो तो खाली है ना, तो उसके छिद्रों में क्या कर रहे हैं, अपने होठों से अमृत भर रहे हैं। किसके लिए भर रहे हैं, ब्रजवासियों के लिए, उसमें भी विशेष करके ब्रज गोपियों के लिए भर रहे हैं। तो गुरु महाराज जी जब ये बात कह रहे तो गुरु जी ऐसे भावाविष्ट हो गए, ऐसे भावाविष्ट, और भावाविष्ट होकर अपने अपने कुछ हृदय की जो उनकी वृत्ति कुछ भावना उसका परिचय देती है। तो गुरु महाराज जी ने एक पंक्ति में बात कही, देखो ऐसा रूप है कृष्ण का, चिंतन करो, चिंतन करो कैसी अद्भुत कृष्ण की शोभा होगी। कहते कहते बड़े भावाविष्ट हो जाते हैं, उसी टोन को पकड़ना है हमको। यदि गुरु पात्र के हृदय के विचार को लेना है तो उनकी टोन को पकड़ना पड़ेगा। गुरु जी कहते थे भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है, मन मना भव मदभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, इसकी साधारण व्याख्या कितने लोगों ने सुनी, किंतु कृष्ण की जो टोन है, रम्यंती चा तुष्यंती चा, इस श्लोक की श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी की टीका देखो क्या कुछ कहा, रमंती एव युक्ति स्मित कटाक्षादिशु एव युवान, क्या अद्भुत अद्भुत सब बातें हैं, ये सब कुछ हमको प्रवेश करना है। तो गुरु महाराज जी कुछ हृदय की वृत्ति, कुछ अपनी भावना का परिचय दे रहे हैं, कह रहे ऐसे स्मरण करो कृष्ण का, क्या अद्भुत रूप है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी देखो क्या वर्णन कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत कृष्ण के रूप का, कहते वंशी गाना अमृत धाम लावण्यामृत जन्म स्थान, जेना देखे से चांद वदन से नयन किवा काज पड़ुतार मुंडेबाज से नयन रहे की कारण। अरे कृष्ण का वदन कैसा है, रूप कैसा है कृष्ण का, वंशी गाना अमृत धाम लावण्य अमृत जन्म स्थान, जितना भी प्रकार का अमृत है ना, लावण्यमय अमृत, ये कृष्ण का मुखमंडल जो है, कृष्ण के होंठ जो है, ये उसका क्या है, ये जन्म स्थान। और श्री कविराज गोस्वामी ऐसे भावाविष्ट हो गए, कहते जेना देखे से चांद वदन, अरे जिसको ऐसे रूप का दर्शन नहीं होता ना, से नयन किवा काज, ऐसे नेत्रों का क्या कार्य है, से नयन रहे की कारण है, पड़ उपकार मुंडे बाज, अरे उसके सर पे मस्तक गिर, उसके सर पे वज्र गिर जाए, उसका नयन किस कारण से है, जो कृष्ण की ऐसी रूप माधुरी का वर्णन नहीं, दर्शन नहीं करता, जिस जिन नेत्रों में कृष्ण के ऐसे रूप का दर्शन नहीं हुआ। क्या कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे, कृष्ण कर पद तल कोटि चंद्र सुशीतल, तार स्पर्श जैनो स्पर्श मणि, से स्पर्श नाही जार से जाऊ छार खार, सही बपु लौ समझानी। अरे कृष्ण के वदन का, कृष्ण का जो देह है ना,
इतनी कोमल उसका स्पर्श क्या है, जैनो स्पर्श मणि। यदि किसी को उसका स्पर्श नहीं हुआ ना, उसका बदन कैसा है, लोहे के समान है, उसका बदन कैसा है, लोहे के समान है। ऐसी ऐसी महिमा वो कह रहे हैं, मृगमद नीलोत्पल मिलने के परिमल जेई हरे तार गर्भमान, है नो कृष्ण अंग गंग जार नाही से संबंध, सही नासा वस्त्रार समान। अरे कृष्ण के अंगों की गंध जो है ना, वो जिसकी नासिका में प्रवेश नहीं की, उसकी नासिका कैसी है, लोहार की भौंकनी के समान उसकी नासिका। ऐसे रूप का वर्णन कर रहे हैं कृष्ण के, ऐसा लावण्य का अमृत का जो स्थान कृष्ण का रूप, ऐसी महिमा। रूप गोस्वामी जी ने कहा है ना एक कीर्तन में, बंधु संगे जदि तवा रंग परिहास, थाके अभिदास तुम्हार थाके अभिदास। अरे भाई सावधान हो जाओ, बंधुओं के साथ में यदि रंग परिहास करने की इच्छा है ना, तो वृंदावन में मत जाना, चले भी जाओ तो केशी घाट में मत जाना। गोविंद विग्रह धरी तथा याचेन हरी, नयने बंकिम दृष्टि मुखे मंदहास। बड़ी सुंदर मुस्कान के साथ में बंकिम त्रिभंग ललित होकर के कृष्ण खड़े हुए हैं। यदि एक बार उन्होंने अपनी दृष्टि डाल दी ना तुम्हारे ऊपर में, तो क्या होगा, संसारी ग्रही जे को भय सर्वनाश, संसारी ग्रही का तो सर्वनाश हो जाएगा। ऐसे रूप का वर्णन कर रहे हैं, अभी इसको विस्तार से नहीं जाएंगे, हमने बस आचमन किया, स्नान नहीं किया, स्नान करने के लिए बहुत समय चाहिए। उसके पश्चात जब ये रूप का कीर्तन होगा, उसके पश्चात क्या होगा, गुण का कीर्तन होगा। कैसे कृष्ण के गुण है, अहो वकीयम स्तन काल कूटम, पूतना मैया का रूप धारण करके आ गए, किंतु किस भावना के साथ में आए, कृष्ण का वध करने की भावना से, किंतु उसको क्या दे दिया, धात्रोचित गति दे दी। ऐसे कृष्ण के गुण है। तो गुरु महाराज जी तो बड़ा विस्तार से कहते हैं कृष्ण के गुण है ना, तो 64 गुण, उनमें से एक गुण है कृतज्ञ, कृत और ज्ञा, किए हुए को जानने वाले। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कभी कृष्ण ने ऐसी लीला प्रकाशित की, कृष्ण की उंगली कट गई और उससे रक्त प्रवाहित होने लगा, सुनते ना, तो द्रौपदी ने क्या किया, जट करके अपनी साड़ी छीन ली। और कृष्ण किए हुए को जानने वाले, स्मरण रखा, ऐसे गुणी है कृष्ण। और क्या किया, द्रौपदी जी के लिए वस्त्र अवतार ले लिया, बड़े विनयी है कृष्ण। गुरु महाराज जी कहते बड़े विनयी, ऐसा कोई भगवान होगा, इतना विनयी कोई भगवान होगा, क्या कर रहे हैं, ब्रज गोपियों के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं बड़े विनय के साथ में, क्या कहते हुए, ना पारे आम निर्बद्ध संयुजाम, अरे मैं ब्रह्मा की आयु पाकर के भी तुम्हारे ऋण को मैं नहीं चुका सकता हूँ। ऐसे कृष्ण बड़े विनयी है। गुरु महाराज जी कहते हैं राम जी बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु, कृपा की उन्होंने विभीषण के ऊपर की, निषाद राज भू के ऊपर में की, सुग्रीव के ऊपर में की, सबके ऊपर बड़े दयालु हैं। नरसिंह भगवान बड़े दयालु, प्रहलाद महाराज के लिए साक्षात प्रकट हो गए, हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, वामन भगवान बड़े दयालु, गुरु महाराज जी कहते, किंतु कृष्ण के जैसी भक्तों के प्रति संपूर्ण रूप में वशीभूतता, गुरु महाराज जी कहते कृष्ण के अतिरिक्त ये गुण और किसी अवतार में नहीं है। संपूर्ण रूप में भक्तों के वशीभूत जो हो जाते हैं कृष्ण, ये गुण जो है ये कृष्ण स्वरूप के अतिरिक्त और किसी में नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु जी वो और कृष्ण एक ही, उनको पृथक ना समझ लेना। श्री जगदानंद पंडित जी ने प्रेम विवर्त में बतलाया है, कृष्ण ब्रह्मा जी बतला रहे हैं ब्रह्म संहिता में, राम आदि मूर्ति शुकरानिया में तिष्ठन नाना अवतार मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवता परम अपमान यो गोविंद आदि पुरुषम तमम भजामि। कृष्ण सबका कारण है, किंतु कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, वो पृथक नहीं है। यद्यपि पृथक कोई भी विष्णु तत्व नहीं है, किंतु अंश कला का भेद है, किंतु कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु ये दो नहीं है। श्री जगदानंद पंडित जी ने प्रेम विवर्त में बताया है, चैतन्य मूर्ति कृष्णेर अपूर्व स्वरूप, कृष्ण मूर्ति चैतन्य स्वरूप अपूर्व, हलादनी दुई साज परम मधुर, मधु हैते मधु ता हैते सुमधुर। अरे श्री चैतन्य महाप्रभु ये कौन है, चैतन्य मूर्ति कृष्णेर अपूर्व स्वरूप, ये चैतन्य मूर्ति क्या है, कृष्ण की बड़ी एक अपूर्व स्वरूप है कृष्ण का, और कृष्ण मूर्ति चैतन्य स्वरूप अपरूप, चैतन्य महाप्रभु जी का ये अपरूप श्रेष्ठ रूप क्या है, वो कृष्ण है। हलादनी दुई साज परम मधुर, अरे ये हलादनी शक्ति श्रीमती राधिका की सब महिमा, उनके रस का, उनके भावों का आस्वादन करने के लिए दो स्वरूप है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण में कोई भेद नहीं है, इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं ये जो भक्त वशीभूतता है, ये गुण केवल कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु में विद्यमान, और किसी स्वरूप में नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी जी के प्रति कैसे मुग्ध हो गए, वो जगन्नाथ जी का प्रसादी चावल लेकर के आते दास गोस्वामी प्रभु, और उसको क्या करते हैं, बहुत सारे जल में धोकर सुना ना उसको खाते हैं, इतना वशीभूत हो गए उनके गुणों के, उनके स्थान पर जाकर के उस चावल को उठाकर खाते। हो सकता कोई भगवान ऐसा वशीभूत, कृष्ण कैसे वशीभूत हो जाते हैं ब्रज गोपियों के,
ब्रज गोपियों का छोड़ो, रूप रति मंजरी के प्रति उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करते हैं। अरे तुम्हारी स्वामिनी तो बड़ी कठोर हृदय की है, मान धारण करके बैठे, तुम इतना कठोर हृदय की क्यों हो रही हो, हमको भीतर में जाने दो। ऐसे विनयी कोई होंगे, ऐसी भक्त वशीभूतता होगी। यशोदा मैया की गोद में कुरुक्षेत्र में जब पहुंचे, ब्रजवासियों के साथ मिलन हुआ, यशोदा मैया की गोद में सर रखकर आलिंगन करके मैया को फूट फूट करके कृष्ण क्रंदन करते हैं, ऐसा कोई भगवान होगा? ऐसे भक्त वशीभूतता होगी किसी भगवान में, किसी भगवत स्वरूप में होगी ऐसी वशीभूतता? श्री चैतन्य महाप्रभु जी, श्री सनातन गोस्वामी जी को कंडू रोग हो गया, शरीर से पील निकलता है और जगन्नाथपुरी पहुंचे, महाप्रभु जी देखते दौड़ते आलिंगन करने के लिए, सनातन गोस्वामी जी पीछे हटते, प्रभु हमको आलिंगन मत कीजिए, हमारे शरीर से ये पील आपके शरीर में लगता है, हमको कष्ट होता है। किंतु महाप्रभु बलपूर्वक आलिंगन करते हैं, क्या कहते हुए, अरे तुमको आलिंगन करते स्वयं को पवित्र होने के लिए, उनको कोई पील नहीं दिखाई देता। ऐसी भक्त वशीभूतता होगी, ऐसी कृतज्ञता होगी तो गुरु महाराज जी कहते ये कृष्ण के गुण है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु के गुण है, ऐसे गुणों की स्फूर्ति होगी। उसके पश्चात क्या होगा, लीला की स्फूर्ति होगी। इसको भी हम आचमन करके फिर आगे बढ़ रहे हैं, फिर क्या होगा, लीला, कैसी अद्भुत कृष्ण की लीला, देखो ये दामोदर लीला ही है, क्या अद्भुत कृष्ण की लीला। इसी दृक स्वलीला हिरानंद कुंडे, ऐसी लीला कोई स्वरूप नहीं कर सकता भगवत स्वरूप जैसी कृष्ण करते हैं, क्या मनोहारी लीला करते हैं, केवल अपने गोष्ठ को अपने ब्रजवासियों को ही आनंद मग्न करते हो ऐसा नहीं, उनकी लीलाओं को श्रवण कर करके भक्त मंडली आज तक विमोहित हो रही है। ऐसी कृष्ण की अद्भुत लीला होगी कहीं, जो पर ब्रह्म है, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इसी दामोदर लीला के प्रसंग में कृतार्थ समम श्लोक में, कृतार्थ समम माने देखो जिससे यमराज भयभीत हैं, जिससे काल भयभीत है, वो यशोदा मैया की छोटी सी छड़ी से भयभीत हो रहे हैं, सातंत नेत्रम, ऐसी लीला कोई भगवत स्वरूप कर सकता? जिनसे बड़े बड़े जमरा यमराज एक नहीं है, 14 यमराज हैं, वो सब भयभीत रहते हैं, जिनसे काल जिनसे भयभीत है, लोकपाल दिक्पाल बड़े बड़े देवता, एक भ्रुक्ति इधर हो गई, ब्रह्मा जी की क्या अवस्था हो गई, इंद्र की क्या अवस्था हो गई, जो उनसे सब भयभीत हैं वही श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कृतार्थ समम। यशोदा मैया एक बिलांग एक हाथ की छड़ी दिखा रही है और कृष्ण सातंत नेत्रम भयभीत हो रहे हैं और कुंती देवी स्तव कर रही है। मुझको आश्चर्य नहीं होता जब आप काल यवन के सामने आप अभिनय करते हो, वो तो आपका भयभीत होने का अभिनय है, मुझको इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता। किंतु मुझको आश्चर्य तो इस बात का है कि जब यशोदा मैया आपको छड़ी दिखला रही है तो सातंत नेत्रम आपके नेत्रों में वास्तव में ही भय दिखलाई दे रहा है और कृष्ण रो रहे हैं, मैया आज मारेगी, मैया किसी प्रकार बस प्रहार ना करे, तो कृष्ण के शरीर पर जो आभूषण है ना, कृष्ण रो नहीं रहे हैं, वो आभूषण और जोर जोर से उछल उछल कर मैया से प्रार्थना कर रहे हैं, अरे मैया देख ये तो बहुत रोता है, तू उसको मत मार, मैया देख ये तो बहुत क्रंदन कर रहा है, ये तो बड़ा भयभीत है, तू उसके ऊपर प्रहार मत कर। ऐसी मनोहारी लीला कोई करेगा? इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कृष्ण जते खेला सर्वोत्तम नर लीला, नर वपु तहार स्वरूप, गोप वेश वेणुकर नव किशोर नटवर, नर लीला भय अनुरूप। जितनी कृष्ण की लीलाएं है ना, उन सब में सर्वोत्तम लीला उनकी नर लीला है। किंतु नर लीला वामन भगवान ने भी की, नर लीला राम भगवान ने भी की, किंतु उसमें भी कृष्ण जैसी मनोहारी लीलाएं करते हैं ना, ऐसी मनोहारी लीला और कोई स्वरूप नहीं करता। तो इसको तो हमने आचमन भी नहीं किया और आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात में क्या है, लीला कीर्तन के पश्चात परिकर वैशिष्ट्य। अब ये जो दामोदर लीला है इसमें गुरु महाराज जी कहते कृष्ण की महिमा अधिक प्रकाशित है अथवा कृष्ण परिकरों की महिमा अधिक प्रकाशित है? किसकी महिमा अधिक प्रकाशित है बताओ, कृष्ण की महिमा अधिक प्रकाशित है ना परिकरों की? किसने बांध दिया कृष्ण को, परिकरों। तो शिला प्रभुपाद जी अंत में कहते हैं क्या अद्भुत यशोदा मैया की महिमा है, जिनको बड़े बड़े योगी लोग अपने मन में हजारों वर्ष तपस्या करके बांध नहीं सकते, उनको स्थूल का है यशोदा मैया ने दौड़कर पकड़ लिया और बांध दिया। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं परिकर वैशिष्ट्य का जो कीर्तन है ये तो साधक के लिए क्या है, अमृत के पान के समान है, परिकरों के वैशिष्ट्य का कीर्तन। और इससे ही कृष्ण क्या होते हैं, सर्वाधिक वशीभूत, वैष्णवे वश श्री कृष्ण सर्वशास्त्र तत्व जानी रहो वैष्णव आश्रय। इसलिए भगवान के जो परिकर है ना, श्री वेद व्यास जी को भी क्यों संतुष्टि मिली संपूर्ण रूप में, क्योंकि भगवान के जो परिकर है ना उनकी महिमा का गुणगान किया। कृष्ण ब्रह्मा जी के प्रति क्यों प्रसन्न हो गए, अहो भाग्यम नंद गोप प्रजोग साम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। जब ये बात कही ना कृष्ण का मन रीझ गया, अच्छा मेरे भक्तों की महिमा गुणगान कर रहे, तो कृष्ण जो है सब प्रकार से अपने परिकरों के अपने भक्तों के वशीभूत हैं।
तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं इस प्रकार से जब हम वास्तव में श्री गुरु वैष्णव के अनुगत्य में निष्ठापूर्वक, जैसे शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते थे, साधक के लिए सिंसियरिटी, ह्यूमिलिटी, सिंसियरिटी और डेडिकेशन, ये तीनों विषय जो हैं बड़े आवश्यक हैं साधन में। ह्यूमिलिटी, सिंसियरिटी और डेडिकेशन, जब इसके साथ में हम श्री नाम प्रभु के आश्रित होकर के, नाम जो है ना वो कर्म नहीं है, वो कर्ता है व्याकरण के अनुसार भी, जब हम सेवोन्मुख होकर के श्री नाम प्रभु का आश्रय लेंगे, तब नाम प्रभु की कृपा से क्या होगा, चित्त मार्जित होने पर नाम के पश्चात रूप गुण लीला परिकर वैशिष्ट्य का कीर्तन हमारे हृदय में स्फुरित होगा। इन्हीं सब विचारों के लिए हमारा ये कार्तिक मास पालन करना है, हमारी भी यही चेष्टा है, गुरु वर्गों के चरणों में, वैष्णव के चरणों में प्रार्थना है। बड़ी गंभीर संपत्ति है भाई, गौड़िया मठ के पास में बड़ी गंभीर संपत्ति है। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, शिला प्रभुपाद जी जो संपत्ति लेकर के आए है ना, वैसी संपत्ति जगत में ना भूतो ना भविष्यति। अब कहो क्या गोस्वामियों की संपत्ति नहीं थी? तो गुरु महाराज जी कहते गोस्वामियों की संपत्ति को ही शिला प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदर रूप में संरक्षित करके दिया है। तो ठाकुर प्रभुपाद जी जो संपत्ति, जो विचारधारा लेकर के आए, यदि उसका किंचित सा भी दर्शन हमने कर लिया, किंचित सा भी अवलोकन हमने कर लिया, गुरु महाराज जी कह रहे इस बात को, और किसी वस्तु के प्रति हमारी लालसा कभी जागृत नहीं होगी। इतना गूढ़ विचार, इतना गहन विचार, एक एक गोस्वामियों का एक एक विचार जो ठाकुर प्रभुपाद जी बदलाते हैं, गुरु महाराज जी कहते हैं उनका विचार जो है ना वो एक फिल्टर के समान है। फिल्टर समस्त वेद वेदांत उपनिषद के साथ गोस्वामियों का जो विचार है ना, वो बड़े ही सार गर्भित शब्दों में शिला प्रभुपाद जी बड़े, एक छोटा सा प्रबंध उनका पढ़ लीजिए, थोड़ी सी हरी कथा उनकी सुन लीजिए, ऐसा लगेगा इतना कुछ कह देते हैं, इतना कुछ अत्यंत अल्प शब्दों में, अत्यंत सामान्य प्रतीत होने वाले शब्दों में, सामान्य तो नहीं है पर प्रतीत होते हैं, अत्यंत गूढ़ बात और अत्यंत विस्तृत बात कह देना, ये शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर का वैशिष्ट है। इसलिए उनके विचार को हम लोगों को जानना, समझना, उसमें प्रवेश करना होगा, तब साधन के प्रति, तब भजन के प्रति, अपनी विचारधारा के प्रति, अपने संप्रदाय के प्रति, और विशेषकर श्री गौड़िया मठ के प्रति जो हमारी जो ये निष्ठा है ना, वो वास्तविक रूप में, आंतरिक रूप में हमारे हृदय में आदर को, सम्मान को प्राप्त करेगी। जब तक उनके विचार को नहीं जानेंगे, उसमें प्रवेश नहीं करेंगे, उनके चरित्र को नहीं जानेंगे, तभी तक होता है। गुरु महाराज जी कहते थे इन रूप गोस्वामी जी की तिथि पर कि